असलमकुम आज की वीडियो एक हैरत अंगेज़ और पुरसरार शख्सियत के बारे में है इबन सयाद एक ऐसी पुरसरार और राजबरी शख्सियत थी जिसके राजों से पर्दा हजूर सल्ला वम के दौर से लेकर आज तक ना उठ सका वह ऐसी शख्सियत था जिससे साहबा दूर दूर रहते थे एक यहूदी औरत के घर पैदा हुआ और काना था बचपन ही में इसकी अरक, ऐसी हरक़त थी कि जिसकी तो किसी बच्चे से नहीं की जा सकती थी एक बार जब ये बच्चा ही था और बालिग होने के करीब था मदीना में अंसारी बच्चों के करीब खेल रहा था हजूर सल्ला वसल्लम कुछ सहाबा के साथ वहाँ से गुज़रे इबन सयाद को हज़ूर के आने की ख़बर ना हुई यहाँ तक कि नबी सल्ला वसल्लम ने इब्ने सयाद पर अपना हाथ मारा फिर इबन सयाद से फ़रमाया कि क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ इबन सयाद ने आपकी तरफ़ देखा और कहा कि मैं गवाही देता हूँ कि आप उम्मी यानी अनपढ़ों के रसूल हैं और फिर इिबन सयाद खुद कहने लगा कि आप गवाही देते हैं कि मैं अल्लाह का रसूल हूँ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वम ने इब्न सयाद को छोड़ दिया और फ़रमाया कि मैं अल्लाह और उसके रसूलों पर ईमान लाया इबन सयाद वो चीज़ें देख सकता था जो कोई और नहीं देख सकता था इसके बारे में मशहूर था कि इसके पास झूठी खबरें आती हैं और ये अजीब व गरीब चीज़ें देखता है जो किसी और को नज़र ही नहीं आती आपली सल्म ने उसे फ़रमाया कि तू क्या देखता है इबन सयाद ने कहा कि मेरे पास सच्ची और झूठी खबरें आती हैं नबी करीम अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया इसीलिए यह चीज़ तुम्हें मशकूक बनाती है फिर आपने एक सूरत दुखान सूरत की आयत नंबर 11, जिसका तर्जुमा है कि उस दिन आसमान धुआँ लाएगा अजाब के तौर पर इस आयत को अपने दिल के अंदर सोचा और इब्न सयाद से फ़रमाया कि मैंने एक बात अपने दिल में छुपाई है तू बता क्या है इबन सयाद ने कहा वो दख है यानी धुआं है यानी उसने सही अंदाज़ से बता दिया सही बात बता दी कि आपने अपने दिल में ये सोचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू तो जुलीलोख़ार हो तो अपनी इस हद से आगे कभी नहीं बढ़ सकेगा हबरत उमर रज़ील्ला तुम जो कि हज़ू पा सल्ला व्लम के साथ थे उन्होंने अर्ज़ किया यारसूल्ला मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं इसकी गर्दन उड़ा दूँ नबी करीम ने फरमाया अगर तो ये दज्जाल अकबर है तो तुम इसे नहीं मार सकोगे और अगर वो दज्जाल अकबर नहीं है तो इसके कत्ल करने में कोई भलाई नहीं है इस इब्ने सयाद के बारे में सहाबा में बहुत अख्तिलाफ था कोई कहता था यह दज्जाल है कोई कहता था कि ये बहुत बड़ा जादूगर है इसी तरह एक बार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने और अभी बिन काब इस उस दरख्त के पास गए जहाँ इब्न सयाद था आप ये ख्याल कर रहे थे कि इब्न सयाद को पता ना चले और आप चोरी छुपे उसकी बातें सुन लें और उसका हाल जान सकें आप छुप के दरख्तों में इसके पास जाने लगे इबन सयाद इस हाल में लेटा हुआ था कि चादर में लिपटा हुआ था और वो कुछ पढ़ रहा था और गुनगुना रहा था इब्न सयाद की माँ ने रसूल सल्लम को तो देख लिया हालाँकि आप दरख्तों की आड़ में से होकर आ रहे थे उसने इबन सयाद से कहा अ साफ़ साफ़ इबन सयाद का, का असल नाम था मोहम्मद सल्ला वल् आ रहे हैं इबन सयाद उठ बैठा और रसुल्लम ने फरमाया अगर इबन सयाद की माँ मेरे आने की इतला ना देती तो आज इसके बेटे की हकीकत और राज खुल जाता ये जो मैंने दो हदीसें बयान की हैं ये सही बुखारी में हदीस नंबर एक हज़ार तीन सौ चौवन हदीस नंबर है आप वहाँ से देख सकते हैं एक रवायत में ये भी आता है कि जब हजूर ने इब्न सयात से पूछा कि तुम्हें क्या नज़र आता है तो उसने कहा कि मैं समंदर पर बिछा हुआ तख्त देखता हूँ हजूर सल्ला वम ने फ़रमाया कि वह शैतान का तख्त है और इस बारे में हदीस भी है जिसमें आप सल्ला फरमाते हैं कि शैतान समंदर पर अपना तख्त बिछा कर अपने चेलों से रिपोर्ट्स लेता है और अपने उस चेले से सबसे ज़्यादा खुश होता है जो मियाँ बीवी की लड़ाई करवाए हजरत रसूलुल्लाह रसूल सल्ला वसम के सामने कसम खा कर कहते थे कि इबन सयाद दज्जाल सल्लल्लाहु सल्ला वल्म ने हजरत उमर की बात का इकरार किया और ना कभी इनकार किया बल्कि खामोश रहे इबन सयाद पैदाइशी यहूदी था मगर रवायात के मुताबिक ये बाद में मुसलमान हो गया था इबन सयाद जब बड़ा हुआ तो उसने अपने दिफा की कोशिश की और इसका इनकार करने लगा कि वह दज्जाल है और इस तोहमत से उसे तंगी महसूस होने लगी क्योंकि सब उससे दूर दूर रहते थे और उसके बारे में अजीब अजीब बातें करते थे अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तुम की हदीस में है वो बयान करते हैं हम हज या उम्र के लिए निकले तो हमारे साथ इबन सयाद भी था तो अबू सईद रज़ी तुम कहते हैं कि हम एक जगह रुके तो सब लोग इधर उधर बिखर गए तो मैं और इबन सयाद एक जगह रहे तो मुझे इबन सयाद की वजह से बहुत ज़्यादा वहशत होने लगी क्योंकि लोग इसके बारे में बहुत बातें करते थे अबू सईद खुदरी रज़ील्ला कहते हैं कि इब्न सयाद ने अपना सामान लाकर मेरे सामान के साथ रख दिया तो मैंने कहा गर्मी बहुत सख्त है अगर तू तो उस दरख्त के नीचे रख देता अबू सैद रज़ी तुम कहते हैं कि उसने ऐसा ही किया अपना सामान दरख्त के नीचे रख दिया उसके बाद हमारे सामने एक बकरी लाई गई तो इबन सयाद ने बकरी का दूध दोहा और एक बड़ा प्याला लाया और कहने लगा ए अबू सैद दूध पियो मैंने कहा गर्मी बहुत सख्त है और दूध गर्म है मैं तो सिर्फ उसके हाथ से लेकर पीना और पकड़ना नहीं चाह रहा था इसलिए उसको टाल दिया लेकिन वो समझ गया और कहने लगा अबू सईद लोग जो कुछ मुझे कहते हैं इसकी बिना पर मैंने ये इरादा किया है कि रस्सी लेकर दरख्त के ले साथ बांधूं और उसे लटक कर फांसी ले ए अबू सईद सब को का पता है क्या आप सर रसूल सल सल्लाम की हदीस को ज़्यादा नहीं जानते क्या रसूल्ला ने यह नहीं फ़रमाया कि दज्जाल काफ़िर होगा और मैं तो मुसलमान हूँ क्या रसूल्लाह ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल बांझ होगा और उसकी कोई औलाद नहीं होगी और मैं तो अपना बेटा मदीना छोड़ के आ रहा हूँ क्या रसूल्लाह ने यह नहीं फरमाया था कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं होगा और मैं मदीने से आ रहा हूँ और मक्के का इरादा है अबू सईद कहते हैं कि मैं उसकी इन बातों में आने ही लगा था लेकिन फिर उसकी आखिरी बात ने मेरा दिल फेर दिया इब्न सयाद कहने लगा अल्लाह की कसम मैं दज्जाल को जानता हूँ और इसकी पैदाइश को भी और वो इस वक्त कहाँ है इसका भी मुझे इल्म है अबू सैद हजरी रज़ील्ला फरमाते हैं कि मैंने उसे कहा सारी उम्र तेरी तबाही हो यह सही मुस्लिम की हदीस नंबर चार हज़ार दो सौ ग्यारह है एक और रवायत में है कि इबन सयाद ने कहा अल्लाह की कसम मुझे इल्म है कि वो इस वक्त कहाँ है उसके और इसके माँ और बाप को भी जानता हूँ जब इबन सयाद को यह कहा गया क्या तुझे ये पसंद है कि दज्जाल तुम ही बन जाओ तो वो कहने लगा अगर मुझे बनाया जाता है तो मैं बनना पसंद करूँगा हदीस नंबर पाँच हज़ार दो सौ दस मसलिम इसके बारे में मुख्तफ रवायात हैं कि आखिर में कहाँ गया कुछ कहते हैं वाक़ हुर्रा वाक़ हुर्रा वाक़ करबला के बाद हुआ था यजीद की जानब से मदीना तयबा की तरफ शामी फौज भेजी गई थी जिसके ज़िम्मे मदीना तयबा में करबला के बाद पैदा होने वाली बगावत को कुचलना था इस जंग में बहुत सारे सहाबा शहीद हुए कहते हैं इस वाक़े के बाद इब्ने सयात किसी को नज़र नहीं आया ना जाने कहाँ गुम हो गया जबकि दूसरी रवायात के मुताबिक ये मदीना में रहा और फोत हुआ इसका नमाज जनाजा भी पढ़ाया गया और मुसलमानों के कब्रिस्तान में दफन किया गया लेकिन ये दोनों रवायात अपनी अपनी जगह हैं कन्फर्म कुछ भी नहीं कहा जा सकता अल्लाह ही बेहतर जानता है हजूर सल्लाम ने इब्न सयात के मतलब सकूत फरमाया खामोश रहे क्योंकि अल्लाह की तरफ़ से इस बारे में कोई वही नाजल नहीं हुई और ऐसा शायद किसी मसलहत के तहत था और वह मसलहत और हमत अल्लाह बेहतर जानते हैं जिस तरह पैदाइश और ज़िंदगी इबन सयाद की पुअसरार रही इसी तरह उसकी मौत आया वो ज़िंदा है या फोत हो गया था ये भी पुर असरार ही रहा हालात भी इबन सयाद के पुरसरार ही रहे अल्लाह बेहतर जानता है मुख्तसर ये कि कुछ उलमा का मानना है कि वह दज्जाल था कुछ का मानना है वो काहिन और द जादूगर था कुछ का कहना है कि दजाल वो दजाल अकबर नहीं था बल्कि वो दजाल तो था मगर छोटा दजाल क्योंकि हजूर सलील वसम की एक हदीस का मफहूम है कि दजाल अकबर के आने से पहले तीस झूठे दाल आएँगे अभी अल्लाह बेहतर जानता है इबन सयात का क्या मामला था इसकी राजों से पर्दा आज तक नहीं उठ सका और न इसकी पूरा शख्सियत के राज खुल चुके खुल सके हैं बा अलबत् इतना ज़रूर है के इबन सयात के मतलब कहा जाता है कि ये उस दौर में एक फितना था जिससे सहाब कराम की आजमाइश मकसूद थी अल्लाह बेहतर जानते हैं इसी इसके साथ इजाज़त दीजिए इन शह हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए अल्लाह हाफिज